गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं कर रही हूँ भस्त्रिका का प्राणायाम, और भस्त्रिका का प्राणायाम अगर लगातार करेंगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदा मिलती है। हमारे शरीर के जो विषैले तत्व है वो बाहर निकल जाता है, और हमारे शरीर के मोटापा भी कम होता है। अगर लगातार करेंगे तो इसका बहुत सारे फ़ायदा है। तो जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के वायु अधिक मात्रा से मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर भी निकलती है। और इसी प्रकार से और प्राणायाम से हमारे शरीर की जो रक्त है, रक्त की सफाई भी होती है। शरीर के सभी अंग तक रक्त का संचरण भलीभांति होता है। तो इसी तरह लगातार हम एक्सरसाइज वगैरह और प्राणायाम करते रहेंगे तो बहुत सारी फायदा होती है। तो इसी के साथ हमारी दिन की शुरुआत होती है भस्त्रिका का प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम से। तो इसी के साथ दूसरी भी एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते हैं साथ साथ, और काफ़ी देर तक हो गई है। तो ये हम अगर हम खुली जगह पे करेंगे तो बहुत सारी बेनिफिट मिलती है। तो मैं कमरे में ही करती हूँ हमेशा, जितना भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं कमरे में ही कर लेती हूँ। और बाकी इधर ये वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो ये कमर का एक्सरसाइज है, और थोड़ा बहुत पैरों का भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इससे पैर के दर्द भी थोड़ा सा मतलब इसमें राहत मिलती है, नसें वगैरह खींचती है उससे भी राहत मिलती है। तो अब थोड़ा सा कर लेते हैं मुंडोकासन। मुंडोकासन से ना जैसे कि पेट में गैस और कब्ज वगैरह होता है ना, उससे वो ठीक होता है। तो ये एक्सरसाइज अगर हम लगातार करें तो कब्ज से भी राहत मिलता है। बाकी स्प्राउट बनाई हूँ आज घर पे ही। ये दाल मैं पहले भिगो के रखी थी, फिर एक दिन बांध के रखी हूँ एक पूरी रात। तो हल्का हल्का मतलब इसका जड़ें निकली है, हल्का ज़्यादा नहीं निकल पाया। तो इसे खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी फ़ायदा मिलती है। तो मूंग दाल जैसे कि प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है, बल्कि इसमें कई अन्य ज़रूरी पोषक तत्व भी होता है। और हर मूंग दाल अन्य ज़रूरी पोषक तत्व भी होता है। तो मूंग दाल स्प्राउट एक फूड है जो तत्वों से भरपूर होता है। तो इसे हम सुबह हम खाली पेट ही खाएंगे। तो सुबह हमने पी ली थी पानी, उसके बाद ही आधा घंटे के बाद ही खाली पेट खाऊंगी। तो हस्बैंड को थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था और मैंने कम लिया था। उसके बाद एक डेढ़ घंटे के बाद खाना वगैरह बना के घर की जो काम होता है, एक्स्ट्रा काम, झाड़ू पोछा और जो भी काम वगैरह है, तो उसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए खाली चाय। तो चाय मैं ही पीऊँगी बस, तो इसलिए थोड़ा सा चाय बनाऊंगी, एक कप ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो पहले मैंने इसमें ना थोड़ा सा स्वाद के लिए मैंने इलायची और लौंग डाला है। इससे ना चाय में बहुत स्वाद आती है और बहुत अच्छा लगता है पीने में। गले में खरज वगैरह भी उससे भी ठीक रहता है लौंग से। तो चाय उबल गई थी और थोड़ा सा नीचे भी गिर गया था, तो ये अच्छे से बन गया चाय। तो मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। तो ये चाय थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, ये कप में थोड़ा सा कम लग रहा है। तो इसकी ये लंबाई की वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ही चाय है। तो बैठ के थोड़े मतलब चाय पी लूँगी। और चाय ना खाली पेट नहीं पीना चाहिए, खाली पेट पीने से ना गैस बनता है। तो चाय के साथ हम बिस्किट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, तो खाली चाय ऐसे नहीं पीते हैं, उससे गैस बहुत ज़्यादा बनती है। मुझे तो गैस कभी कभार बन जाती है। तो अभी सब्जी वगैरह बन गया था और मैं अभी बना रही हूँ रोटी। तो देवांश के लिए पराठा बना रही हूँ और मेरे लिए, और इनको मैंने प्लेन रोटी दे दिया है टिफ़िन में, और अभी दो ऐसी पराठा खा लेंगे। अगर सुबह हम ऐसी अच्छे जैसे स्प्राउट वगैरह खा लेते उसके बाद पराठा वगैरह खाएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और सुबह उठते ही अगर हम चाय या पराठा पी खाएंगे ना, तो बहुत सारी मतलब उससे नुकसान होता है। तो उसके बाद में ये थाली लगा लिया है, और ये मैंने सब्जी बनाया है, पपीता और बड़ी आलू की सब्जी है।
तो इधर हमारा पराठा रोटी सब बन गया है और इसके बाद मैं किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और जो भी कपड़ा वगैरह भिगोई थी तो वो मैं धो देती हूँ। और बाकी मैं सुबह ही नहा लिया था और क्योंकि आज मेहंदी लगानी थी सर पे तो मेहंदी भी लगाई हूँ। और मेहंदी लगाने के बाद मैं थोड़ा सा लेट धोती हूँ सर, इसलिए पहले ही नहा लिया था। और बाकी मेरा घर का सब काम हो गया था और मैं बस अभी 1-1.5 घंटे बाद ही अपना सर ही धोऊँगी। तो कपड़ा ज़्यादा गंदा ही नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा मैं ब्रश लगा रही हूँ और इसको मैं ज़्यादा हस्बैंड जी का ही आज कपड़ा है और इसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं और बहुत हल्का है और डिटर्जेंट से लगातार ये वाइट वाले कपड़े वगैरह धोते हैं इसका कलर डिफेक्ट हो जाता है तो ये ज़्यादा गंदा नहीं है। तो एक एक बारी ब्रश लगा के फिर मैं इसको धो लेती हूँ। और बाकी मैं मेहंदी सर पे लगा तो लिया है पर अब देखते हैं थोड़ा सूख जाएगा तो, क्योंकि आज धूप भी नहीं है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।